सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्ग शिवाज देवेदर्वकाय विधायणी कलहे गाय हृदयाज शृणु देव प्रवक्षा कल सर्वे साधन मैया तवे स्नेहेन ब्रह्म सुधि प्रकाशते नारायण ऋषि अर्णशंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा सप्तशलोके दुर्गा बाधे विनियोग देवी भगवती बलाधारोहाय महामाया दुर्गे स्मृदे जयंत स्वस्थ स्मृदा मधिमदे वजहासे दारिद्र दुख वयहारणिकाधन्य सर्वोपकार करणाय सदा प्रदत्ता सर्वमंगल मंगल्ये श्रे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवे नारायणे नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वयव्यस्रायिणो देवी दुर्गे देवे नमोस्तुते रोगानशेषानपहांसिदुष्टा रुष्टा तु कामानु सकलानुविष्टा त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेवोदयाकार्यं अश्वरिविनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्षामि धनुष्वकमघानने यसादमातेन दुर्गापीता भवेदति ॐ प्रदेशाधिभवता भवानी भवमाजने आया दुर्गाशयाचोध्य त्रिनेत्राशोलधारणे विनाशधारणे जप्ता चन्द्रघण्टा महातपा महावज्रहङ्कारा क्षिप्तरूपा युधाजुलिः सर्वमन्त्रमये सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भव्य 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 सदा गतिः शम्भवी देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशने
अभरणाने गभरणा च पाटला पाटला भजे पट्टाम्बरपरे धनाकलमञ्जरञ्जने अमेय विक्रमाग्ररासन्धरे सरसन्धरे बन्धुराजमातङ्गे मतङ्गमनिपूजिता ब्राह्मे माहेश्वरे चन्द्रे कौमरे वैष्णवे तथा चामुण्डा देव भाराहे लक्ष्मीजापुजागृहे विमलादर्शने गानाक्रियाने च बुद्धिदा बहुरा बल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशम्भ शम्भहने महिषासुरमर्दने मधुकेतवहन तेज चण्डमण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वधानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्य सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशास्त्रा च अनेकास्त्रस्य धारणे कुमारे च कन्या च केशरे यवदेयते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता वरप्रदा महोदये मुक्तचये गौररूपा महावरा अग्नेयाधारोद्धमगे कालरात्रे तपस्विने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरे शिवदूते गराले च आनन्दा परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जाहिदम् प्रभुते नित्यम् दुर्गा नाम यदाशकाम् नादाद्यां विद्यते देवे त्रिलोके च पार्वते धनं धान्यं कृतं जायामयमस्ति न मे वच चतुर्भगं तथा चाञ्जलभे मुक्तेन च शासने कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरे पूजये परया भक्त्या पठे नाम यदाशकाम् तस्वदित्यभेदेवि सर्वे स्वरेरपि राजानादासतां जान्ते राज्याश्रयमवाप्नुयात् गौरजनाः लग्नगङ्गमेन सुन्दरगर्भरमदत्तयेन विलङ्कयान्द्रं विदिना विदग्ध्य भवे सदा धारयले पुरारिः भौमवाजानिहामग्रे चन्द्रे सद्विषां गते विलग्या प्रभे स्वात्रं सर्वे संसदाम् प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य का अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षयफल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है जहाँ स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में
सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः तनश्च वचन्द्रः चामुण्डा देवता अञ्जना साक्षमातरा धीराम् दिगबन्ध देवता सत्तम् श्रीजगदम्भा प्रत्यर्थे सप्तशतिपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयभैरं परमहंसलोके सर्वरक्षाकरणाम् यन्न कस्याचि दाघातं तन्मे रोहि पितामहः ब्रह्म उवाच अश्वघोषतमां विप्रसर्वभूतभकारकम् देव्याशोकजां पुण्यादश्वनश्च महामने प्रथमं च लघुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डे ते कुष्माणे चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादे ते षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रे ते महाघोरे द्विजाश्रमम् नवमं सिद्धिदाते च नवदुर्गः प्रकेतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मदेव महात्मना अग्निना जयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विष्णे दुर्गमे देव व्यासः जननं गता नादेशां जायते गञ्ज अशुभं रणसङ्गते नापदं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठभक्त्या सुरधातो न तेषां वृद्धिर्भयायते ज्येष्ठान्तरन्धिभेदे रक्षसेदानसंशयः प्रेतसंसादुरामुण्डपरमहेमैशासनाेन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवेगरुडासना माहेश्वरी मृगारूढा कौमारेशवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्ववर्णभूषिता इत्येता मात्रा सर्वः सर्वयोग समन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां सत्ये हलं च मुसलायुधम् केटकं तमरं चैव पर्शं पाशमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च दारङ्गमायुधमत्तमम् देव्यानां देहनाशाय भक्तानां विहाय च दारयन्ताजुधानितं देवानां च हिताय वे नमस्ते सोमहारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाभये महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देव दुष्प्रज्ञे शत्रुनामय वर्धने प्राच्यं रक्षत मामेन्द्रे अग्निरामग्निदेवता दक्षिणेव द्वाराहि नैरत्यां कनकधारणे प्रतीचां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहने उदीचां पादुकौमारे एषां नाम शरधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष ततस्तद्वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो भ्रष्टतः अजिता पापपार्जयतो दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतने रक्ष उमामूर्तिनि भ्रष्टता मालाधरे ललाटे च प्रभा रक्ष यशस्वने त्रिनेत्रा च प्रभुर्मध्य यमघण्टा च नासिके
शंखने चक्षुर मध्य ज्योत्र हरदार वासने कपालो काल कारक्ष कर्ण मूल दुजंगरे नासिकायां सुगंधा च उत्तरे शेष चर्चिका आद्रे चामृत कला जिह्वा यम च सरस्वते दंतान रक्षत कौमारे गंध देश दुजंडिका घंटकांजुत्र घंटा च महामाया च दालुगे कामस्य शुभ काम रक्ष भाजम मे सर्व मंगला ग्रीवायं भद्रकाली च वृष भंजे धनुर्धरे नील ग्रीवा वैकंठ नलिकांडलगोभरे स्कंदयो खड्गने रक्ष बाहु मे वज्रधारणे हस्तयोर्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेश च नकाशलेश्वरे रक्ष कक्षा रक्ष कुलेश्वरे तनो रक्षण महादेवे मना शोक विनाशने हृदय ललता देवे उदरे शूल धारणे नाभोज कामने रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरे तथा भूतना काम्य कामेधं हृदय महेश वाहिने कट्यां भगवते रक्ष जानने विन्दवासने जंगे महाबला रक्ष सर्व काम प्रदायने गुलभयोर नारसिंह च पादभृष्टे दुते दधे पादाङ्गुलेश रक्ष पादादस्तलवासने नखान्तस्याकराले च केशं देवर्धनेशने रोमकोवेश कौवेरे त्वचं वागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासा नस्यमेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रेश मित्तं चामृतेश्वरे पद्मावदे पद्मकोशे कभे ज्वालामहे तथा ज्वालामघे नरज्ज्वालामभे ध्यासर्वसन्ध्यज शुक्रं ब्रह्माणे रज छाया छत्ते चले तथा अहङ्कारमनावद्य रक्षे मे धर्मधारिणे प्राणापाना तथा व्यानमुदानं च समानगम् वज्रहस्तात् मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रथे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगने सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आजो रक्षतु वाराये धर्मं रक्षतु दशवे दशाष्टे दन्तलक्ष्मीं च धनं विद्यां च जग्रणे गौतमिन्द्राणि मे रज पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रानजे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु वैरवे राजधारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा सुधा रक्षाहीनं वज्रं तत्सर्वरक्ष मे देवि जयन्ते पावनाजने पदमेकं न गच्छतु जले जयजुमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्र सलावर्ष विजया सर्वगामिकः जं जं चिन्तयते कामं दं दं प्राप्नोति निर्जनं प्रमेश्वरि अमतुलं राजते भूतले भवान् निर्भयो जायते मृत्युः सङ्ग्रामेश परायुधः त्रैलोके सुमवेत्पद्यः कवचे नामितः भवान् इदं तु तेभ्यः कवचं देवानां विदुर्लभम् जापठे प्रयतो नित्यं त्रिसङ्घं सत्यानृतः देवे कलापवेदस्य त्रैलोकेश परायुधः जीवे दोर्षुसंसाग्र अपमृत्यो विभजितः नश्यन्ति यादिहासे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं देव कृत्रिमं चाभियदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः चेचराश्चैव जलजश्च भजेशिका सहजाकुर्यामाला डाकनेशाकने तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकन्यश्च महाबला ग्रहभूतविषाजश्च यक्षगन्धर्वराजदा ब्रह्मराजितवेदानः कुसुमाणावेरवादयः नश्यन्ते दर्शनादस्य कवचे संस्थिते मानानि देवभैराग्यशेषाभृत्येकराम्बराम् जलसा वर्तते स्वामि कीर्तिमण्डितभूतले जगदे चन्द्र कृत्वाम्बरा यावत् भूमण्डलं दत्त गजलाभनकाननां तावत्तिष्ठति मे दिन्या सन्तते पुत्रपात्रगे देहन्ते परमासानं यस्वरेरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह वदते ॐ
पथ अर्गला स्तोत्र ओम नर्त्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टवचन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तदेवाटागत्येन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्गण्डेयोवाच ॐ जयन्द्रिमङ्गलाकारे बद्धकारे कपालिने दुर्गाक्षमाश भाधात्रे स्वाहा सदा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्ते मधुकेतपविद्रादे वेदाते वरदे नमः रूपं देहि त्वं देहि जशो देहि दिशायहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि त्वं देहि जशो देहि दिशायहि रक्तबीजावधे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि त्वं देहि जशो देहि दिशायहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्रस्य मर्दिनि रूपं देहि त्वं देहि जशो देहि दिशायहि मन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि अचिन्त्यरूपजलदे सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि नदेभ्यः सर्वदा भक्ता चण्डिके दुर्तापहे रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि स्तूपज्वा भक्तिमोहाता चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि चण्डिके सततं चेता भर्जयन्ति भक्तिदः रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि फलमुज्जगे रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि सुरासुरसुरारत्नानिगृहस्तजनयम्बिके रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि विद्यावन्तं सर्ववन्तं लक्ष्मीवन्तयनङ्कर रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणदायने रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसदे परमेश्वरि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि कृष्णेना संसदे सेवि सर्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि हिमाचलसुधानाथ संसदे परमेश्वरि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि इन्द्रानेपद सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि देवि प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि देवि भक्तजनात्मा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि त्वं देहि यशो देहि दिशायहि पद्मे मनोरमान्देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारणे दुर्गसंसार सागरस्याकलोद्भवा इदं सहस्रं पठे जातो महासहस्रं पठे नरः साधु संप्रसदे संख्या भ्रमापनोति संवराम् अथ कीलक ॐ अर्थ श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुजवछन्दः श्रीमा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा विद्यर्थं सप्तशदेवाठागत्येन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे
श्रीहात्रात नमेताय नमः स्वामाददारणे सर्वमेतद्विराणे अन्वन्दानामवगेलकम् ಸಮಗ್ರ ಸಂಶಯಾಧಾದೇ ಇಥಮರೂಪೇನ ಕೇಲೇನ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೇಲಿತಾಂ ಜ್ಯೋತಿಶಿಲಾಂ ವಿಧಾಯೇನ ನಿತ್ಯಂ ಜಪದೇ ಸಂಪುರಾಂ ಸಾಧಿತಃ ಸಾಗನಾ ಸೋಪೇ ಗಂಧರ್ವಯಾಯತೇ ನರಃ ನಾದೇವಾಪಣದತ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಕಾಪೇ ಹಯಾಯತೇ ನಾಭವೇತ್ಯೋ ಭಜಂ ಜಾತೇ ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಾಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರುವೇತ ನಾಖಲವಾನಾ ವಿನಶ್ಯತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿಂಜೇಂದ್ರಿಶ್ವದೇವನಾಯನೆಸರ್ವಂತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ತೇನ ಯಾಪ್ಯಾಮಿದಂ ಶಿವಂ ಶಹೇ ಸೋಯಾಪ್ಯಮಾನೇ ಸ್ವಂ ಸತ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿರುಚ್ಯಕೈ ಭವತ್ಯೇವ ಸಮಗ್ರಾಭಿ ತದಃ ಪ್ರಾರಭ್ಯಮೇವದ ಏಷ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಹಾನಿಹಿಪರಮೋಕ್ಷಃಸ್ತುಯತೇಸಾನಗೇಂಜನೇಃ ಶ್ರೀಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನೇಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಗವತಿ ಚಿತ್ಕಂಡ ಕುಟುಂಬನಿ ಕೋರಿ ಕುಟುಂಬನಿ ಕೋರಿಕೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನಿ ರಮ್ಯಕ ಭರದನಿ ಜಯಸುತೆ ದುರ್ಬಾರ ಭರದನಿ ದುರ್ಧರ ದರ್ಶನಿ ದುರ್ಮುಖ ಭರದನಿ ಹರ ಧರತೆ ಶಿವನ ಭೋಜನ ಶಂಕರ ತೋಜನ ನಿರ್ವಿಶ ಭೋಜನ ಗಾಜರತೆ ಜನ ಜನ ಲೋಚನ ಚತುರ್ಥ ಲೋಚನ ಧರ್ಮದ ಲೋಚನ ಜಯಂತದೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನ ರಮ್ಯಕ ಭರದನ ಜಯಸುತೆ ಆಯಿ ಜಗದಾಂಬ ಮದಾಂಬ ಕದಾಂಬ ಪನ ಪ್ರಿಯ ವಾಸನ ಆದರದೆ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋ ಮಣಿ ತೊಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶಂಕರ ಜಾಲಯ ಮತ್ಯಗದೆ ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧು ಕೇತವ ಗಂಜನಿ ಕೇತವ ಭಂಜನಿ ರಾಜರದೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನಿ ರಮ್ಯಕ ಭರದನಿ ಜಯಸುತೆ ಆಯಿ ಜಲ ಗಂಡ ವಿಗಂಡ ಪಾತಿತಾರಿಪದೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಳಾ ದುರ್ಮಗ ಭರದಿ ಚತುರ ವಿಚಾರ ದುರೇ ಮಹಾಶುಭದೋಷಿಪದೆ ದುರಿತ ದುರಾಧುರಾಧಾನೃತಾಂತಪದೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನ ರಮ್ಯಕ ಭರದನ ಶಯಸುತೆ ಹರಿ ಶರಣಾಗತ ಭೈರಿ ಪದೋ ಭರವೀರ ಪರಾಭಯದಾಯಕರೆ ಶಿವಬನ ಮಾಸಕ ಯೋರ ವಿರೋಧಿ ಶಿರೋಧಿ ಪಿತಾಮಲ ಯೋರ ಕರೆ ಜುಮಿ ಜುಮಿ ತಾಮರ ದುಂದರಿ ನಾಥ ಮಹೋಮುಖರಿ ಕೃತದೈ ಮಕರಿ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದನ ರಮ್ಯಕ ಭರದಿ ಜಯರಸುತೆ ಹರಿ ನಿಜೋಂದ್ರಿ ಮಾತನಿ ರಾಗದೋಮ್ರ ವಿಲೋಚನ ಸಾಮ್ರಜದೆ ಸಮರ ವಿಜೋಜಿತ ಜಾನಿತ ವೀಜತ ಮಧುಮವ ಜಾನಿತ ವೀಜನದೆ ಶಿವ ಶಿವ ಜುಂಬನ ಜುಂಬ ಮಹಾವತರ ನಿತ ಮೋದ ಪಿಜಾಚರದೆ
जय जय हे मय जातुर बर जन रंग कबर दिन जन रण संगर नंदन संग परे तुर दंगल जल कल में कनक प्रियांग प्रदर्शन शंकर सत पद लिंगता पद के हृदय चतुरंग बल चतुरंग गत बहुरंगर जल मत के जय जय हे मय जातुर मर जन रक्षक बर दिन जय रतु दे जय जय दत्त जय जय दत्त पर स्तुति तत्पर दिशन दे जन जन दिन जम दिन कृत दो पर दिन जग मोहित भूत पदे नट तन दार्थन पे नट नायक नाटित नाट दुगानर दे जय जय हे मय चातुर मर जन रक्षक पर दिन चलत दे आई सुमना 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 सुमनो हर कांत सुते सिद रजनी 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 कर भक्त सुते सुनयन भी भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे मय चातुर मर जन रंजक पर दिन शैर सुते सहित महाव मल्ल मतलिक मल्लित वल्लक मल्लर दे विरजित वल्लक पल्लक वल्लक विल्लक विल्लक वर्क प्रदे विदगृत पुल्लक पुल्लक तारुह तल्लक पल्लक धालर दे जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जयरत दे अविरल गंधक तन्मद मेदुर पत्तम पंकज राजपदे त्रिभुवन भोजन भूत कला निज रूप पयो निज राज सुते आई सुत पीयन लाल सुपान सुमोहन मन्मद राजस दे जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जयरत दे कमल दला मल कोमल कांत कला कलिता मल बाल मते सकल विलास कला मिलया कम तेरे चलत कल हर कुल संकुल कुबलय मंडल मोल मल सकुलाल कुले जय जय हे मय चातुर मर्दन रक्षक वरदन जनत दे कर मुरली रम वेद कुंजित लज्जित कौशल मंजुम दे मिलत पुरेन्द्र मनोहर कुंजित रंजित जनन कुंजग दे निज गण भूत महाजबली गण सद्गुण संयत केलित ने जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जनत दे कटि तट ते तट कोल पति कम योग तिरस्कृत चंद्र प्रणत सुराज रुमाल मने स्वर रंजन कृष्णक चंद्र दे जित कंद काजल मोज पदोर्जित निर्भर कुंजर कंदक दे जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जनत दे विजत सहस्र करे सहस्र करे सहस्र करे कनुते विद सुर तारक संकर तारक संकर तारक सोन सते सुर समाधि समान समाधि समान समाधि सुजातर से जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक मर्दन है पद कमलम करुणानि भये परिपार्षद जोन दिनांक दिवे आई कमले कमलान लये कमलान लया सक धमन कले सब पद में परम पर वृत्तन जीन यतो मम किन्न जिवे जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक मर्दन जयत दे कन कन सत कल सिंह जले नर सिंह ते गुण रंग भुवन रजते सके मुन्नते खुट कुम्भते परिरंगत कानुभवम् तव चरणं चरणं करवाणिन तामरवाणिन वादिवम् जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जयतुते तव विमलेन्दु बलं पदनिन्द बलं सकलं ननुकूलयते जिम पुरुहूत पुरेन्द्र मुदे सुमुदे विरतो विमुखे कृते मम दम शुभ नाम जले भवते कृपया शुभतो गयते जय जय हे मय चातुर मर्दन रम्यक पर्दन जयतुते आई मय
जगतो जननी कृपयास जदाजितमात्र भवत्रता दुर्तापम पादरते लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है अब क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्रानि यन्ते हरनिजामया साधोयामिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि शब्द का नाद होगा तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकलते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे बंधु बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है इस मजगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के
इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का श्रवण कर रहे हैं ये तपस्थली है, तप भूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर माँ भगवती आदि शक्ति तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जब प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त श्रद्धा युक्त होकर के इस माँ भगवती के दरबार में इस दिव्य गुफा के अंदर इन देव पिंडों के शरण नतमस्त होते ही माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ को नमस्कार करते ही उन शरणार्थ भक्तों को इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होते ही इन तीनों देवियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस कृपा से जिस आशीर्वाद से उन भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण होती ही उनके सब कार्य सिद्ध होते ही उनके कष्ट उनके दुख दूर होते ही और सब वर्ष उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले शरणवसलाते नेत्रों वाले एवं गौरी हो। हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। माँ आप हमारा सब ओर से मंगल करें, हमारे कष्टों को हमारे दुखों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारी रक्षा करें, हम भक्तों का कल्याण करें। आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्ते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाले हे नारायणी आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि भगवती माँ आप सब ओर से हम भक्तों के कष्टों को दुखों को दूर कर करके हम सब भक्तों का आप कल्याण करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जब भक्त जन जो है इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ भगवती की आराधना करते ही जप करते ही पाठ करते ही व्रत करते ही तो ये सत्कर्म करने से पुण्य की वृद्धि होती है और जब पुण्य की वृद्धि होती है तो फिर मनुष्य के कष्ट उनके दुख जो है उनकी आदि व्याधि जो है वे उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख आते हैं और वह सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जो है जे व्रत जे तप जे गंगा स्नान जे सब जो सत्कर्म जो होते हैं इससे पुण्य की वृद्धि होती है और जब पुण्य की वृद्धि होती है तो फिर इसी प्रकार सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है और वह साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके सभी दुख जो है वह दूर होते हैं। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष के आज पूर्णिमा है, यहाँ इस समय चतुर्दशी चल रही है। चतुर्दशी जो है ये 10:45 तक रहेगी, उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए रात्रि वाली पूर्णिमा जो है इसका व्रत जो है आज है और कल दिन वाली पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा का व्रत जो है ये बड़ा एक उत्तम दिन है। चतुर्दशी जो है पूर्णिमा का दिन जो है माँ के चरण में बैठ करके आप भक्तों का भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चतुर्दशी अष्टमी नवमी जी माँ भगवती की विशेष तिथि होती है, विशेष दिन होते हैं। फिर पूर्णिमा जो है भगवान सत्यनारायण का ये विशेष दिन होता है जिसमें साधक जन जो सत्यनारायण के भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जो कोई भी जब सत्कर्म करता है पुण्य कर्म करता है तो उसके लिए विचार करता है कौन सा दिन अच्छा हो, कौन सा दिन शुभ हो, कौन सी ऐसी तिथि हो जिससे हम सत्कर्म करें, दान करें, जप करें, पाठ करें, कोई हवन यज्ञ करें जिससे हमारे कष्ट हमारे दुख दूर हो और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो सके। तो जब देव कृपा होती है, देव कृपा से सब संभव होता है। इस प्रकार से जब साधक से
ऐसी परम पवित्र स्थली पर आकर के ऐसी परम पवित्र तिथि में ऐसा कोई सत्कर्म हो जाते हैं तो कहते हैं कि उसका अक्षय फल होते हैं, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। कहते हैं कि नैमिष अरण्य में स्वर्णिकादि ऋषि विराजमान थे और उन्होंने जो है यह सूर्य से ये प्रश्न किया, महाराज ऐसा कोई व्रत हो, ऐसा कोई तप हो जिसके करने से जो है मनुष्य से दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सके, सुखों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से जब उन ऋषियों ने जो है जो प्रश्न किया सूर्य से, तो सूर्य ने कहा आपने जी जो प्रश्न किया है यही प्रश्न जो है देव ऋषि नारद जी ने वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से किया था। और उस समय जो भगवान विष्णु ने जो है देव ऋषि नारद जी से कहा था वही मैं आपको बतलाता हूँ जो सूर्य के ऋषियों का संग हुआ है। तो कहते इस पर जब पुण्य होते होते हैं तो ही मनुष्य का जब कल्याण होना होता है तो भगवान जो है देव शोक से किसी न किसी को सत्पुरुष को भेज देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और इस प्रकार साधक जो मार्ग पर चलते हैं उसका अनुसरण करते हैं तो वह साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि देव ऋषि नारद जी जो है एक बार अनेक लोकों का भ्रमण करते करते इस मृत्यु लोक में आए और मृत्यु लोक में आकर के देखा कि लोग जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है कष्ट को भोग रहे थे। अब होता तो अपने कर्मों का फल है, अब यदि किसी को बुखार है उसका उपचार भी होता है, कोई कष्ट है कोई दुख है तो हर एक जो है कष्ट का जो निवारण होते हैं, कभी कभी वेदना होती पीड़ा होती है तो उसकी भी औषधि होती है। इसी प्रकार से मनुष्य जब कोई पाप हो जाता है उसका भी प्रायश्चित होता है, ऐसी साधना होती है जिसके कारण से पापों से मुक्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके कष्ट दुख हो जाते हैं क्योंकि पापों का फल क्या होता है दुख होता है और पुण्य का फल होता है सुख जी है। जब ये इस प्रकार निरंतर जो पुण्य कर्म करता है धीरे धीरे उनके पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है तो जीवन सुख आना शुरू हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो देव ऋषि नारद जी है उन्होंने जब देखा कि लोग बड़े दुखी हैं कष्ट में संकट में है तो इनका जो दुख कैसे दूर किया जा सके, ये विचार कर करके जो है वह सीधे वैकुंठ लोक में चले गए भगवान विष्णु के पास। वहां जाकर के उन्होंने जो है भगवान विष्णु के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया, फिर जो है उनकी स्तुति की। अब भगवान विष्णु ने कहा कि आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, आप किस लिए यहाँ पर आए, किस कारण से आपका आगमन हुआ है आप कही। तब भगवान देव श्री नारद जी ने कहा महाराज इस प्रकार से मृत्यु लोक में गया था, वहां पर लोग जो अपने कर्मों के शान से है वे दुख भोग रहे हैं, उनके कष्ट जो कैसे दूर हो सके, ऐसा कोई जप ऐसा कोई व्रत ऐसा कोई सत्कर्म ऐसा कोई पुण्य कर्म जो है वे बतलाई जिसके करने से उनका जो है कल्याण हो सके, वह सुख प्राप्त हो सके, सुख को प्राप्त कर सके, दुखों से उन्हें मुक्ति मिल सके, ऐसा कोई व्रत बतलाइए, ऐसा कोई जप बतलाइए, ऐसी कोई साधना बतलाइए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब भगवान विष्णु ने कहा है कि आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि लोक कल्याण के लिए आपने बात यह कही है, मैं अवश्य आपको बतलाऊंगा कि सत्यनारायण का व्रत जो मृत्यु लोक में सत्यनारायण का व्रत जो है जे करने से मनुष्य के जो है दुख उनके कष्ट दूर होते हैं, उनकी दरिद्रता दूर होती है और उन्हें जो है इतने नहीं सब प्रकार से बस साधु जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम ईश्वर की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, बस शत्रुओं विजय प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से सब सुखों को प्राप्त करते हुए वह अंत में परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा जी सत्यनारायण का व्रत है। बोलो सच्चे दरबार की जय। सत्यनारायण का व्रत जो है इसका महत्व बतलाते हुए सूर्य सोन का ऋषि को बतला रहे हैं और देव ऋषि नारद जी को जो बात जो है भगवान विष्णु ने कही वही जो है सूर्य ऋषि को बतलाते हैं, किस प्रकार से उन्होंने सारी विधि बतलाई, किस प्रकार सत्यनारायण का व्रत जो है पूर्णिमा का दिन जो है ये व्रत करना चाहिए अपने परिवार के साथ, जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना, सायंकाल को जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और उसमें जो है जी गेहूँ के आटे का चूरमा जो है सोया जो है और उसमें कदली फल केले का फल जो है ये विशेष जो है
और गुड़ जो है जी भगवान को अर्पित करना, पूजा करना, भगवान को भोग लगाना, इस प्रकार से यही भगवान के नाम का कीर्तन करना, व्रत करना और फिर सायंकाल को जो है चंद्रोदय जब हो तो भगवान सत्यनारायण की पूजा जो है करके अर्घ दे करके फिर व्रत का पारण करना। बोलो सच्चे दरबार की सारी विधि जो उन्होंने बतलाई जो यही भगवान सत्यनारायण की पूजा जो करनी चाहिए जिससे मनुष्य के कष्ट, उसके दुख, उसके दरिद्रता जो है वह सब दूर होती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, इस लोक में सुख का भोग करता हुआ अंत में वह पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। सूर्य कहते हैं कि इस व्रत को किसने किया था, पहले जो है पूर्व काल में जो है कहते हैं कि काशी में एक वृद्ध ब्राह्मण था, बड़ा ही निर्धन था और प्रतिदिन जो प्रातःकाल जो है वह भिक्षा के लिए वह जाता था, बड़ा परिश्रम करता था। कहते कि जब बुरा वक्त आता है तब जो है भीख ही मांगने से नहीं मिलती है। अब ब्राह्मण को जो है देख करके जो है भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु को उन पर दया आई तो भगवान सत्यनारायण जो है वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने उपस्थित हो गए। तब उन्होंने उससे पूछा हे ब्राह्मण आप इतनी कड़ी धूप में आप प्रतिदिन प्रातःकाल जो है सारा दिन भर कहां इस पृथ्वी पर घूमते रहते हो। तो उसने कहा महाराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, धन का अभाव है और मैं सारा दिन जब भीख मांगने के लिए आता हूं कभी कुछ मिल जाता है उसी से अपनी उदर पूर्ति करता हूं। यदि आपके पास कोई ऐसा उपाय हो मेरी दरिद्रता दूर करने का तो मुझे बतलाइए, मेरा जो कष्ट मेरा दुख जो दूर हो सके। तब सत्यनारायण के रूप में भगवान ने जो है उससे कहा कि आप जो है सत्यनारायण का व्रत कीजिए और उन्होंने उससे सारी विधि बतलाई, इस प्रकार से व्रत करो, इस व्रत करने से आपका दुख दरिद्र दूर होगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको परमोक्ष की प्राप्ति होगी, आप जो है जो भी आपकी मनोवलक्षित कामना होगी वह सब पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर भगवान सत्यनारायण वहां से अंतर ध्यान होगी। अब वृद्ध ब्राह्मण जो था उसके मन में ये बात लग गई और उसने विचार किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, उनका कीर्तन करूंगा, उनके नाम का जप करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा, ऐसा उसके अंदर जब बार बार बात चल रही थी, यही बात उसकी बुद्धि घूम रही थी। अब सारा दिन घूम करके फिर घर वापस लौटा, रात को सोया तो रात में भी यही चिंतन करता रहा कि कल जो है मुझे भगवान का व्रत करना है, कल पूर्णिमा है मुझे व्रत करना है। प्रातःकाल उठा और भिक्षा के लिए चला गया, जब भिक्षा के लिए गया तो उस दिन उसको बहुत सारी भिक्षा मिली, उसी भिक्षा से उसने जो है सारी सामग्री जो है खरीदी और अपने परिवार के साथ जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। तब से उसने प्रतिदिन जो है हर महीने ये व्रत करना प्रारंभ कर दिया, इससे जो है उसके सारे दुख दूर हो गए, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, बस वह सुखों को प्राप्त हुआ और अंत में उस ब्राह्मण ने परमोक्ष को प्राप्त कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। सूर्य ऋषि से कहते हैं कि ऋषियों कि ये व्रत जो मृत्यु लोक में जो भी श्रद्धा युक्त होकर के इस व्रत को हर महीने करता है, भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है, कीर्तन करता है, उसके नाम का जप करता है तो उसके सारे दुख दरिद्र दूर होते हैं, उन्हें जो है सब प्रकार सुख की प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और संसार के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर लेता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब बड़े भाग्यशाली ही जब भक्तों को आज जो है चतुर्दशी ज्योत पूर्णिमा के दिन जो है और रात्रि वाली पूर्णिमा ही बड़ा ही उत्तम दिन है और ऐसे उत्तम दिन में इस जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके जो है भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। जहाँ पर इस स्थान पर बैठने मात्र से कहते हैं कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, फिर जो भक्त जन इस प्रकार से श्रद्धा युक्त होकर के भक्ति पूर्वक इस प्रकार से जगजन्य जगत माता की जो आराधना करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं तो इसका फल तो जो है अनंत गुना अक्षय फल होता है। देवी के दरबार में कहो कि पवित्र स्थली ही और भगवती कहते हैं कि आरती के समय
33 करोड़ देव देवता अपने रूप बदल करके माँ की आरती उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं और ऐसी प्रभु पवित्र वेला में जो भक्तजन एकाग्रचित होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं, उन भक्तों के साथ मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनको जो है समस्त देव देवताओं का एक साथ जो है इस आरती की परम पवित्र वेला में आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से जो है उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि होती है, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो है दूर होते। बोले सच्चे दरबार की जय, जयकारा श्रम वाले सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अवधि चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, सर्वत्र अपना अवधि चाहते हैं, तो उन्हें प्रजनन पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस प्रकार से माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो है ये धर्म कर्म जो है ये करते रहना चाहिए। ये धर्म कर्म जो होता है ये मनुष्य का सबूर से वह कल्याण करता है। तो ये भगवती के चरणों में आप सभी बैठे हुए हैं, इस माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है और साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र के द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस गुहा के अंदर इस माँ जगजन्य जगत माता के इस पिंडी रूप में दर्शन करते हैं, उन भक्तों पर इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो आप सभी इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके अपने जीवन में ऐसा निजम बना लीजिए कि प्रातः काल सायंकाल प्रतिदिन जो है माँ की जोत जगाएं, इस मंत्र का जप करें और जो है माँ की आरती करें, माँ से क्षमा प्रार्थना करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर देखिए आप गृहस्थ में कैसे अवधि होता है, कैसी उन्नति होती है और आपके घर में सदा सर्वदा सुख शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश को कष्ट नहीं होगा। क्योंकि ऐसे घर में जहाँ पर माँ की जोत जगती है, माँ की आराधना पूजा होती है, उस घर में माँ भगवती स्वयं लक्ष्मी विराजमान होकर के अवधि को देती है, उन्नति को देती है, सुख देती है, शांति देती है और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सच्चे दरबार की जय। माँ भगवत का नवान मंत्र नौ अक्षर के नव दुर्गा प्रकृति तथा नौ ही देवी हैं, जिनके हम विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके इन देवियों की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, विशेष आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं। तो ये नवान मंत्र नौ अक्षर के नौ अक्षर जो है ये बड़ा ही नौ अक्षर युक्त ये मंत्र जो है ये एक ऐसा महामंत्र है, क्योंकि नौ की संख्या से ऊपर कोई संख्या नहीं, इसलिए ये अद्भुत मंत्र है और परम शक्तिशाली मंत्र है, जिस मंत्र का जप करने से जो है इन तीनों शक्तियों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एम जो है जो माता महा सरस्वती का बीज है, इसका जप करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती, ज्ञान की प्राप्ति होती, विवेक प्राप्त होता है, माँ सरस्वती की सर्वदा विशेष आशीर्वाद जो है ये बना रहता है। हरी ये माता माँ लक्ष्मी का बीज है, इसका जप करने से धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा जो विशेष जो बनी रहती है, कारोबार में वृद्धि होती है और सर्वत्र जो है माँ की कृपा से जो है उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। ऐम हरीम और क्लेम जो है जो माता महाकाली का बीज है, क्लेम जो है कजे यह कृष्ण बीज भी है और जे माया बीज भी है, इसका जब करने शक्ति प्राप्त होती, शत्रु का नाश होते ही रोगों से मुक्ति मिलती है, निरोगी जीवन प्राप्त होता है। चामुंडा माँ भगवती का नाम है, चंद्रमुंड नाम के दो असुर हुए जिनका वध करने से माँ भगवती चामुंडा के नाम से विख्यात हुई। बिच्चक रूप में माँ भगवती भक्तों का विधान देती है। ऐम हरीम और कलीम, ऐम माता महा सरस्वती, हरीम जी माता महालक्ष्मी और कलीम जो है जो माता महाकाली, ये तीनों शक्ति हैं, ये तीनों जो बीज हैं, इनके इस मंत्र के द्वारा साधना करने से इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन, धन लक्ष्मी, धन शक्ति और जो है ज्ञान।
धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्ति हैं जिसका मनुष्य के जीवन होना बड़ा अनिवार्य है। जिन भक्तों के तीनों शक्ति की प्राप्ति हो जाती है उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं। इसलिए जो है इस मंत्र के द्वारा जो भक्तजन माँ की साधना करते हैं और पिंडी ग्रोह में माँ के दरबार में आकर के माँ के दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों को इन तीनों शक्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जिस आशीर्वाद से वह भक्त जन जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। उनको कभी कोई विघ्न बाधा जीवन उनके जीवन में नहीं आती। माँ की कृपा से सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होते हैं। भगवती महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, इन तीनों माताओं का आशीर्वाद सदा सर्वदा भक्तों बना रहे और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उन्नशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णो देवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें और इसी तरह से अपने चरणों में आपको लगाए रखे, अपने दरबार बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ। श्री जयपाल जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोला थाली जाते हुए श्री जयपाल जी जय कर शरवल का। बोल सच्चे दरबार की जय। मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या। एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों के हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मर्यादे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता रहे। तपस्वी हूँ नदानी हूँ ना, मैं ज्ञानी ना योगी हूँ, तपस्वी हूँ नदानी हूँ ना, मैं ज्ञानी ना योगी हूँ, तपस्वी अपने चरणों में बसा लो।
को सुत अपना बना लो के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ बड़ा बेचैन रहता हूँ संभालो अपनी
लोगी तो क्या होगा, बसा लोगी तो क्या होगा, बसा लोगी तो क्या होगा, भुला लोगी तो क्या होगा, भुला लोगी तो क्या होगा। जयकार श्री वाली बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने ओ मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने हो मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, 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 एक अनोखा आनंद पाया, 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 एक अनोखा आनंद पाया। मेरी मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने ओ मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने ओ मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगी तुम, मंजिल तक पहुँचाओगी, मंजिल तक पहुँचाओगी तुम, मंजिल तक पहुँचाओगी, भव से पार लगाओगी तुम, भव से पार लगाओगी तुम, भव से पार लगाओगी तुम, भव से पार लगाओगी हो, भव से पार लगाओगी तुम, भव से पार लगाओगी। हम मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। हम मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने ओ मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने मैया। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, एक
भरोसा कहिया, केवल तेरे दर्शन की आशा, 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 मां केवल तेरे दर्शन की आशा, केवल तेरे दर्शन की आशा। मैया हमको तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया हमको तो आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हाँ तू जाने तेरा काम जाने, 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 भैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, हाँ सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, सौंप दिया सब भार तुम्ही पर, जीत तुम्ही हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, मां जीत तुम्ही पर हार तुम्ही पर, जीत तुम्ही पर हार तुम्ही, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, जाने तेरा काम जाने, मां तू जाने तेरा काम जाने, 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 मैया तेरे हवाले मेरी, तेरे हवाले मेरी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मैया तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, हाँ 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 तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हाँ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हाँ तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जय करा शिरोवाली जी का, बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा शिरोवाली का, बोल सच्चे दरबार की जय, जोता बनी है जगाम तेरे चरने च, जोता बनी है जगाम तेरे चरने च, गंगा बनी है भगाम तेरे चरने च, गंगा बनी है भगाम तेरे चरने च, जोता बनी है जगाम तेरे चरने च, जोता बनी है जगाम तेरे चरने च, गंगा बनी है भगाम तेरे चरने च, गंगा बनी है भगाम तेरे चरने च, तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी रौन पुजारी, शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी रौन पुजारी, शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी रौन पुजारी, शेर दी तू करे सवारी पौड़ी पौड़ी रौन पुजारी, आऊंगी तेरी नवाम तेरे चरने च, आऊंगी तेरी
तेरे चरणे च आऊं बिबेदी रवाम तेरे चरणे च आऊं बिबेदी रवाम तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च काल च मारा था मनो निजारी मैल तुम्हारी ओ बाण काल च मारा तारी मन दिसारी मैल तुम्हारी बाण काल च मारा तारी मन दिसारी मैल तुम्हारी बाण काल च मारा तारी मन दिसारी मैल तुम्हारी आई तेरे दरबार म तेरे चरणे च आई तेरे दरबाम तेरे चरणे च आई तेरे दरबाम तेरे चरणे च आई तेरे दरबाम तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च मोड़े च तेरे परछामे बूटे ऊपर तेरे नामे 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 पापी मंगदे जवाब तेरे चरणे च ओ पापी मंगदे जवाब तेरे चरणे च पापी मंगदे जवाब तेरे चरणे च ओ पापी मंगदे जवाब तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च ओ जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च ओ गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च ओ जोता बनिए जगाम तेरे चरणे च गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च ओ गंगा बनिए बगाम तेरे चरणे च जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय आरोड़ा सुधंस भ्रमत जगणे दक्षिणे चक सूत्र बामे हस्त दिभ्यं भ्रे कणकमयं पुस्तकं जन गम्य सभिन भदयन्ति स्वकृतजपे शास्त्र विज्ञान शब्दे क्रीडन्तिभिरोपाकर कमलधरा भारते सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज सात प्रविष्ट ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज चतुर्दशी तिथि ही आज चतुर्दशी तिथि जो है यही 10:45 रहेगी उसके उपरांत पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और पूर्णिमा का रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत जो है ये आज होगा और दिन वाली पूर्णिमा जो है कल होगी और होली का दहन जो है ये भी निश्चित व्यापनी पूर्णिमा में किया जाते हैं तो इसलिए भद्रा रहे जो है रात्रि को जो है यह 9 के बाद जो है ये होली का दहन बतलाया गया है और कल होली होगी। बोल सच्चे दरबार की जय। बुधवार तदनुसार 20 मार्च 2019 के दिन प्रातः काल आरती समय आप भक्तजनों को माँ भगवती के असीमण कंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वी भवे
प्रख्यान भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य दर्भ जलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्यत सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रनाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब वर्ष आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल तरणी मैया जय Thank you.
मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धर्मारी की जय। तो बोलिए ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता
namastase 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 namo namaha namastase namo namaha ya devi sarvabhuteshu ya devi sarvabhuteshu matre rupena sansita matre rupena sansita namastase 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 namo namaha namastase namo namaha rudra mata ki कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूति की पूजा करके आपके सामने गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके खंड ज्योति का पूजन हो गया, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार के सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो माता दी सफल भलो माता दी सफल माता दी सफल माता दी माता दी माता दी सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ कर मां से प्रार्थना करेंगे संभल करके बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि दिशो जहि दिशो देहि दिशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। मेरे कार्य करो हमेश जय माँ आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मई आठ पहर चौसठ घड़ी जो चरना दा ध्यान जय Thank you.
मनोकामना पूरी हो जयकारा शरण वाली जा Thank you.
आशीर्वाद देना जो जो से सकती है पहले आशीर्वाद देना पहले आशीर्वाद ठीक है बाद निकलो हाथ आशीर्वाद ऐसे ऐसे करके देना जो जो से ठीक है दो जो जो से देवी सर्वों के श्री शक्ति संतुदा नमस्ते नमस्ते नमस्ते